अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफीरा मैं हूँ तहसीन और आप देख रहे हैं अफीरा अफीरा तहसीन तहसीन रिएक्शन। रिएक्शन। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह तमाम मुसलमानों को तमाम दुनिया में अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। और जो आज हमें लिंक मिला है तुर्की से, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों की फरमाइश है और काफ़ी ज़्यादा लिंक इनके हमें मौसूल हो रहे थे, फरमाइशें आ रही थी। ये जो लिंक है, इसके बाद जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, ये एक फिल्म है बेसिकली तुर्की की, जो इनकी आर्म फोर्सेस पे बनी हुई है। और ये जो लिंक हमें मिला है, ये उसका ट्रेलर है या कोई अच्छा सीक्वेंस है, मुझे इसका कंफर्म नहीं है कि इसमें है क्या, लेकिन लेकिन बहुत ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये आ रही थी कि बहुत ही अच्छा है, इस पर आपका रिएक्शन हमें देखना है। तो इसको देख के पता चलेगा कि ये इसमें आगे क्या चीज़ दिखाई गई है। लेकिन इसको चलाने से पहले, प्ले करने से पहले, जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दें और साथ में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। बिल्कुल, चले आए, पहले इसको देखते हैं, फिर से मज़ीद बात करेंगे। चलिए फिल्म बाय उमर एंड हारून यूनुस। किसी ऑर्केस्ट्रा होता है ना? हाँ, सिनेमा। वायरलेस पे बात हो रही है। ओ, फाइटर जेट्स। फाइटर जेट्स। Break, break, flagship 441. This is Turkish AWACS Güney. NATO friendly is in sector. सबने खोला। कि मेरे ख्याल में कुछ चीज़ ड्रॉप करनी है, या तो कुछ, या तो कैमरास हैं। ऑपरेशन नियर द माउंटेन। हाँ, बंद, सबने कट्ठे बंद कर। डैक अच्छा था। वही जो कहे थे वही। हाँ, सारे सारे। ओ, ये जो वो मारते नहीं ना लोगों को, गले काट पहले के। करते थे ना, हाँ, और वीडियोस बना बना के अपलोड करते थे, या सारे भेजते गांव थे। वाले भी ऐसे घूमे जा रहे हैं सारे। हाँ, इसमें कहीं ये शॉट तो नहीं है? उन्हें गए थे बोलो। ये पहले बुलवाते थे ना, ये तो हाँ, काफी। ये लोग भी एजेंसी वाले होते थे ना इन लोगों को, या ये कोई भी थे आर्मी के ऑफिशियल्स ही होते थे या कोई ऐसे लोग होते थे, या कोई, इम्पोर्टेंट लोग होते थे। हाँ वो भी थे ना इसमें, सहाफी जो होते हैं। ये वो ही मुझे आईसिस लग रहे हैं। हाँ, जो नाम बदनाम बुजदिल फैले। लोग। ये किसी ने पहले ओए भी ओए, ये पिशमान दीलिम, पिशमान दीलिम। लगा मरना तो है ही, बच्चा भी देख रहा है। उन लोगों को आदत हो गई। Yes, yes, şerefsiz, yes. Korkumu size verir miyim sandın? Yes. Kamar. फ्लैग वो लगाए हुए, लेकिन है वो मुसलमान कहाँ से लग रहे हैं?
अच्छा बच्चे को उधर भेजा, ये मेरे ख्याल में कोई जासूस होगा या वो ऐसे कोई बंदा होगा। हाँ कुछ होगा। नहीं ये आर्मी की साइन लैंग्वेज है। üç yönünden iki şiddetinde. Ye dekha dur se dekh rahe hain usko. Haan. Gerilir. Sniper. Sniper. Usko to bachana hai na. O kufur atmak için. Ye kya? Unhe ek banda leta hua hai bandook ke liye guns. हाँ ऐसा करके वीडियोस आया करती थी ना काफी लोगों के साथ। हाँ। बस दे लोग औरत को ऐसे कर रहे मारो मारो मारो। ओ ओ हो हेडशॉट। वाव वाव बिल्कुल इसमें वो दिखाया गया कि डार्क फिल्मी। हाँ। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह जो है आर्मी काम करती है और उनका आर्मी तो देखो आर्मी के तो साइन लैंग्वेज है ये पूरी दुनिया को पता होता है कि आर्मी की साइन लैंग्वेज आपस में बात करते हैं ये। हाँ। और इस तरह की इनकी जासूसियाँ हो रही होती हैं। सबसे मेन चीज़ होती है कि स्नाइपर के अंदर और हेड शॉट इतनी दूर से मारना बहुत ही मुश्किल होता है और साथ में इनकी इन्होंने बताया कि इस तरह की इन लोगों ने इस तरह दहशत गर्दों से निपटते हैं ये लोग बेसिकली। और इनकी जो ये जो सारी सीक्वेंस चल रहा था उसको इतनी खूबसूरती से फिल्माया जिस तरह सबसे पहले स्टार्ट में वो पूरा शॉट चलने के बाद फाइटर जेट्स इन हुए और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ ड्रॉप किया पता नहीं या तो कुछ वो कैमरास थे क्या थे उनके फ्लैप्स खुले। हाँ। उसके बाद बंद करने के बाद सारे अपने अपने कॉन्वॉय से वापस चले गए और जब लड़की का फेस आया था और वो फेस से जब स्टार्ट हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ अभी पूरा ट्रेलर चलेगा और ये कुछ और सीक्वेंस है लेकिन पता ही नहीं चला कि लड़की इतनी परेशान क्यों है और इतना बहुत खूबसूरत शॉट था। और फिर पता चला कि वो कुछ बुजदिल जो थे वो आईसिस के बंदे मुसलमान कहते हैं जो सो कॉल्ड मुसलमान जो हैं। हाँ। अपने जो खुद को कहते हैं लेकिन उन्होंने वो एक पूरा सीक्वेंस दिखाया। मुझे मेरे ख्याल में पूरी फिल्म देखने वाली है ये। हाँ। और अगर इसका सीक्वेंस इतना खूबसूरत है फिल्म तो बहुत ही मजे की होगी क्यों फिर। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी होगी और मुझे तो बहुत अच्छा लगा सारा जिस तरीके से दिखाया गया और किस तरीके से दहशतगर्दों से मुकाबला करते हैं हमारे कुछ जवान। हाँ, बिल्कुल। इसलिए तो कहते हैं कि जो आर्मी होती है उसको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। वो बहुत मुश्किल से करती है बहुत सारी चीजें सामने नहीं आती हैं कि वो किस तरह काम कर रहे होते हैं लेकिन हिडन तरीके से वो किस तरीके से काम कर रहे होते हैं हमारी फोर्सेस वो सिर्फ उन्हीं को पता होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इन दहशत गर्दों से निपटने के लिए और पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ रहा है हमेशा। हम लोग जो हमारी आर्म फोर्सेस हमेशा आगे रही हैं और इन दहशत गर्दों को सफाया किया है माशाल्लाह। बिल्कुल। और आगे भी आए तो बहुत बुरे तरीके से सफाया होगा इंशाल्लाह। तो इसी तरीके से जो अब जो ये पूरा सीक्वेंस था इसको देख के तो मुझे बहुत मजा आया। अगर ये फिल्म इंग्लिश में या उर्दू में डब कहीं पे मौजूद है तो हमें उसका लिंक भी शेयर करें या उसके बारे में बताएं हम इसको इंग्लिश में देखना चाह रहे हैं क्योंकि टर्किश तो फिलहाल हम इतनी समझ नहीं पाते हैं कुछ समझ आने क्योंकि अर्तुल गाजी की वजह से हमें काफ़ी समझ आती है लेकिन काफ़ी चीज़ें हम लोग नहीं समझ पा रहे होते। तो अगर ये इंग्लिश में डब मौजूद है या उर्दू में तो हमें ज़रूर बताएगा हम फिल्म देखना चाह रहे हैं। और जिन्होंने जिन लोगों ने हमसे ये लिंक शेयर किया थैंक यू सो मच। ऐसे ही अच्छे लिंक हमसे शेयर करते रहा करें ताकि उस पर हमारा रिएक्शन भी इतना मज़े का आता है और रिएक्शन देने का मज़ा भी बहुत आता है। और इसका ओरिजिनल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है जिन्होंने इस फिल्म ये वीडियो को दोबारा देखना है वहाँ से जाकर देख सकते हैं और लाइक कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और इनके साथ साथ हमें भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहा करें। इसी अच्छी वीडियो के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा अपने घरों में महफूज रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।